विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पर्चा दाखिल कराने के उपरांत स्थानीय विधायक से पूर्व मंत्री डॉक्टर चंद्रिका राय ने बसा प्रखंड तथा नगर पंचायत में अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने फूलमाला देकर सम्मानित किया। पोखरपुर, मठिया, सिकटी, अंजनी आदि गाँव में जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास कार्यों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि अधूरे कार्यों को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनते ही किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए, खेतों तक पानी की व्यवस्था, युवाओं के लिए रोजगार का सृजन कराना पहली प्राथमिकता बताया। उन्होंने बिहार और परसा के विकास के लिए एनडीए समर्थित जदयू के तीर छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। डी 11 टीवी के लिए परसा से मोहम्मद यूसुफ के साथ सोहन ठाकुर की रिपोर्ट। ये अब दिन में कोई सपना देखने लगे तो हम वो कर सकते हैं। उनको तो अपने ही पार्टी के जो बेस वोट है उसमें आदमी नहीं मिल रहा है, तो दूसरा पूरा आप उनसे पूछिएगा। आप तो यहाँ के ही हैं, आपको पता होगा कि सात गाड़ी में खाली परिवार का आदमी घूमता है, दूसरा घूमबे नहीं करता है, तो क्या हम लोगों से लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ देख लीजिए कितने, इधर देख लीजिए किस तरह के लोग हैं, सारे तमाम जाति धर्म सभी के लोग यहाँ पर। बाढ़ से जो राहत की बात थी उसकी वो मुद्दा था, मगर आने वाले समय में और भी रोजगार की बातें होंगी, सिंचाई की बातें होंगी, बिजली की बातें, जो हम लोग जो हमारी सरकार देना चाह रही कि हर एक खेत को पानी देने की बात है, बिजली पहुंचाने की बात है, अलग से फीडर एग्रीकल्चर के लिए फीडर देने की बात है, इन सब चीज़ों पर सरकार का ज़्यादा ध्यान है। और रोज़गार इतना उपलब्ध कराया जाए कि जो भी आदमी हैं बाहर जाने वाले, अगर उनको बहुत ज़्यादा आकर्षण लगता